गुड मॉर्निंग। आज हम लेके हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए बॉन्ड इक्वेशन। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो विपरीत आवेशित आयन से बनते हैं। ये विपरीत आवेशित आयन मिलकर आयन पेयर बनाते हैं और इस आयन पेयर से दूसरे आयन्स जुड़ते रहते हैं और एक सॉलिड कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं। इस क्रम के अंदर हर स्टेप के अंदर एनर्जी निकलती है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में हम लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी निकालने की दो मेथड हैं। एक तो हम कि सीधे ही हम उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल लें और दूसरा है कि हम उसकी थियोरेटिकल वैल्यू ज्ञात करें। लैटिस एनर्जी गैसीय आयनों से एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल के बनने में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाती है। यदि कोई एम धन आयन है और एक्स ऋण आयन है तो ये मिलकर यदि एक ठोस एम एक्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो जो कुल एनर्जी निकलेगी वो लैटिस एनर्जी के बराबर होगी। इस लैटिस एनर्जी की थियोरेटिकल मान हम बॉन्ड इक्वेशन या बॉन्ड लैंडे इक्वेशन की सहायता से जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन बॉन्ड ने दी थी। अब इसको हम निकालने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। पहले हम आयन पेयर बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं विपरीत आवेशित आयनों से आयन युग्म बनता है। स्थायी अवस्था में इस आयन की स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने वाली समीकरण को बॉन्ड समीकरण कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी आकर्षण एनर्जी, आकर्षण के कारण ऊर्जा प्लस रिपल्शन के कारण ऊर्जा के बराबर होगी। दोनों विपरीत आवेशित आयनों की आकर्षण के कारण जो ऊर्जा होगी वो बराबर होगी जेड माइनस जेड वन जेड इज टू ई स्क्वायर अपॉन आर। आकर्षण के कारण ऊर्जा निकलेगी इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। रिपल्शन के कारण जो एनर्जी होगी, क्योंकि दोनों आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण कुल ऊर्जा जो होगी बी ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन। तो टोटल जो एनर्जी हो जाएगी अट्रैक्शन के कारण ऊर्जा प्लस रिपल्शन के कारण ऊर्जा होगी। जेड वन और जेड टू आयनों पर आवेश हैं, जो धन आयन और ऋण आयन पर जो आवेश हैं। ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी, बी एक रिपल्शन कोफिशियंट है और एन बॉन्ड घातांक है, बॉन्ड एक्सपोनेंट है। एन का मान यहाँ पर जेड वन जेड टू हम वैल्यू पता होती है हमें, ई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, आर हम निकाल सकते हैं जो एन है और बी, तो एन जो बॉन्ड घातांक है, बॉन्ड घातांक का मान जो निर्भर करता है वो आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करता है। यदि उसका साइज बड़ा होता है तो एन का मान भी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यदि हीलियम कॉन्फिगरेशन है आयन का तो एन का मान 5 होगा, नियॉन जैसा कॉन्फिगरेशन है 7, आर्गन यदि है 9, क्रिप्टॉन के लिए 10 और जिनॉन के लिए 12। यदि आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिस भी इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड यदि के लिए हम लैटिस एनर्जी निकाल रहे हैं तो लिथियम के लिए जो कॉन्फिगरेशन है वो लिथियम का हीलियम जैसा आयन का, इसलिए n की वैल्यू 5 होगी। क्लोराइड आयन के लिए जो कॉन्फिगरेशन होगा वो उसके 9 होगा आर्गन के जैसा है। तो लिथियम क्लोराइड यदि हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों के योग के बराबर होगी, 5 + 9 / 2 = 7। इसमें लिथियम क्लोराइड के लिए जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो हमें जो भी हम इसको थियोरेटिकली वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्योंकि एक क्रिस्टल में एक आयन युग्म नहीं होता है बल्कि उसमें बहुत सारे आयन पेयर्स होते हैं जिससे इनमें आपस में इंट्रैक्शन होता है, अंतर क्रियाएँ होती हैं। इन अंतर क्रियाओं को मेडलुंग ने कांस्टेंट के द्वारा प्रदर्शित किया जिसे हम मेडलुंग कांस्टेंट कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आयन पेयर की वो हो जाएगी
माइनस ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन। प्रतिकर्षण बल है वो आर की पावर एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो केवल निकट के आयन ही जो है इसे प्रभावित करते हैं, दूर स्थित आयन इस रिपल्शन एनर्जी को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा रिपल्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। अब क्योंकि हमने अभी आयन पे के लिए किया है, लेकिन हमें निकालनी है लैटिस एनर्जी जो कि एक आयनिक क्रिस्टल की है। तो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा स्थायी तब होगा जब प्रतिकर्षण व आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, तब स्थिति की ऊर्जा कम से कम होगी और R का मान आर जीरो के बराबर होगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी। इसके लिए हम R के सापेक्ष पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करके शून्य के बराबर करते हैं। तो हमने इसके लिए इक्वेशन लिख रखी है, नेक्स्ट इक्वेशन। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी को R के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट जब हम किसी चीज़ को करते हैं किसके सापेक्ष, तो उसकी पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन बी आर की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ हमने अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है आर की पावर वन थी उसको वन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें एक जोड़ दिया। इसी तरह हमने जो रिपल्शन के लिए हमने लिखा था बी के आगे हमने एन लिख दिया, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें एक वैल्यू जोड़ दी। अब हमें क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है, हम बी की वैल्यू हमारे पास हम इसी इक्वेशन से निकालते हैं, तो हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी का मान आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन। अब हम इस बी के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे जिसमें हमने टोटल एनर्जी लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी हमारे पास इस नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास हमने बी की वैल्यू पुट करी है, बाकी हम चीज़ें थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एक आयन पेयर की पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो वैल्यू आएगी इक्वेशन होगी वो बराबर हो जाएगी माइनस ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर जीरो ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन एन। अब क्योंकि हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है और लैटिस एनर्जी होती है एक मोल क्रिस्टल की, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंटू एन, तो हमारे पास टोटल लैटिस एनर्जी आ जाएगी। तो जो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आ रही है यू इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड वन जेड टू ई स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन एन, ये है हमारी बॉन्ड इक्वेशन। तो इस बॉन्ड इक्वेशन से हम यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एन हमें पता है अवोगाद्रो संख्या है, वन मोल के अंदर जितने आयन युग्म होंगे। ए हमारे पास कांस्टेंट है, मॉडुलम कांस्टेंट, जो कि हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड वन जेड टू हमें आवेश हैं जो कि हम लिख सकते हैं देख करके। ई कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। आर है दोनों आयन के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो हमें निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू भी हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से हम आयन कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे ही बॉन्ड इक्वेशन या बॉन्ड लैंडे इक्वेशन कह सकते हैं। हमने यहाँ पर जो मॉडलिंग कॉन्स्टेंट है हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हम इसको इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करेंगे या प्रभाव करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर जो भी आपने सिंबल्स लिखे हैं या जो जेड वन जेड टू, वे सभी चीज़ें लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर आयन फर्स्ट आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी। इसका मतलब यदि आयंस पर चार्ज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसलिए लिथियम फ्लोराइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड तक हम चलते हैं, तो आयनिक चार्ज बढ़ रहा है
Z1, Z2 की वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए लैटिस एनर्जी का मान भी बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर है आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या जो है, लैटिस एनर्जी आयनिक त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आयनिक साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी का मान घटेगा। इसलिए लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड हम देख रहे हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो घट रही है। तो लिथियम आयोडाइड से फ्लोराइड तक लैटिस एनर्जी का मान बढ़ रहा है। तीसरा फैक्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी निर्भर करिए मॉडुलम कांस्टेंट की तरह। हमने मॉडुलम कांस्टेंट के हिसाब से यदि ए की वैल्यू ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी का मान भी ज़्यादा होगा। और लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयंस। जो एन है, जो हमने बॉन्ड घातांक कहा था, एन जो हमने जो वैल्यूज पुट की थी बॉन्ड घातांक की, वो हमने देखा कि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग हमने बताई थी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निर्भर करता है साइज पर। तो एन का मान यदि बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि यदि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/n की वैल्यू कम हो जाएगी और लैटिस एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो साइज इन सब चीज़ों पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। जिस आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम लैटिस एनर्जी को बॉन्ड इक्वेशन, जिसे बॉन्ड लैंड इक्वेशन भी कहते हैं, इसकी सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी जो इसमें इक्वेशन में वैल्यूज़ हैं वो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली लिखी गई हैं, तो हम ये थ्योरेटिकल वैल्यू के बेस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था, इसका प्रैक्टिकल मान बॉर्न हैबर्ट साइकिल से ज्ञात करते हैं, तो प्रैक्टिकल वैल्यू हम बॉर्न हैबर्ट साइकिल से ज्ञात करेंगे और थ्योरेटिकल वैल्यू हम बॉर्न लैंडे इक्वेशन से ज्ञात करेंगे। थैंक यू।